तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हाशिम और आप देख रहे हैं देसी आप। अल्लाह ताला के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर करिए से होंगे। जी तो गाइस, आज के इस व्लॉग में मैंने स्कूल का दाखिला भेजना था 9th क्लास का, और उसके लिए चाहिए पिक्स, पासपोर्ट साइज। अभी हम वो खिंचवाने जाते हैं, क्लिक करवाने जाते हैं, और फिर मैंने यूनिफॉर्म भी पहनना, ऊपर से शर्ट पहनूंगा और टाई लगाऊंगा, फिर कंडीशन की करते हैं यूनिफॉर्म। मतलब कि आज बाइक दे के जाएंगे, शायद मैं खुद ही जाऊँगा, उतनी देर में शायद पापा आ जाएं, पापा के साथ चले जाऊँगा। फिर अभी कॉम वगैरह करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मैंने कॉम वगैरह कर लिया, अब मैंने यूनिफॉर्म पहनता हूँ। देखिए आज मैजिक सिक पहनते हैं। मैं अभी जाने वाला था और मैंने कहा पापा जी मुझे ना पैसे दीजिएगा, मैंने पिक क्लिक करवा के लानी है और मुझे स्कूल में जाएंगे। पापा को तो पहले पता था, मैं शाम को भी गया था पापा के साथ, उन्होंने मेरी वहाँ पर पिक क्लिक कर ली थी फ़ोन पर ही। मैंने कहा ऐसे लगे होंगे, सुबह आके दोबारा खिंचवानी पड़ेगी। तो ना पापा ने कहा आपकी तो आ गई हैं तस्वीरें, तो आप देखिएगा, मैंने हल्की सी बस आपको दिखानी है, नजर आई, आप पोज करके देखिएगा। चलो दिखाए जाते हैं, ये मेरी पिक्स आई हैं, ये टेढ़ी मेरी सी कुछ। मैं उस टाइम पसीने में था फुल, और कोई काम वगैरह भी नहीं थी हुई अच्छी तरह। मैंने कहा जाके स्टूडियो पर करेंगे, उन्होंने वैसे ही हवेली भी वो उनकी थी, वहाँ पर उन्होंने कर लिया था सब कुछ। मतलब मैंने इस तरह ही था वैसे ही, तो उन्होंने पिक क्लिक कर ली थी। अभी मेरी एक बुक भी नहीं है कंप्यूटर की, वो भी मैं लेने जाता हूँ, और वो शायद आपको दिखाऊँ, शायद पापा ना जाने दें, या फिर इस तरह भी हो सकता है। मैं चलो देखते हैं गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन, और वो साइया वाला रेलवे स्टेशन है, हम तो उसको स्टेशन ही गला कहते हैं। और वहाँ पर बुक्स लेने जाएंगे पीएस की और कंप्यूटर की। हसन भट्टी पीछे बैठ रहा है, अभी मेरे से बाइक गिर जानी थी, मुझे पता नहीं था ना, अभी मैं अपनी होशोहवास से बैठा हुआ था। अभी जाते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ता, थोड़ा बहुत नहीं रास्ता नहीं दिखाएंगे, वैसे ही आपको बुक्स जाके दिखाएंगे कौन कौन सी लेनी है और कितने कितने की लेनी है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पर, फराज बुक डिपो पर, अभी अंदर जाते हैं। देखिएगा ये है शॉप भी नहीं निकल रही, अभी निकाल ली, अभी हम अंदर जाते हैं और अंकल को कहते हैं कि लीजिएगा बुक्स लेकर, आपको दिखाते हैं। जी तो गाइस मैंने पता किया है, मैंने कहा कंप्यूटर की बुक दे नाम, कहते कौन सी, मैं कहा इंग्लिश मीडियम, मैंने कहा 9th क्लास की, कहते नहीं है, मैं कहा पीएस दे दो, पीएस के डी ओ मोरो वी गुडी ये दो। तो पता के है एवी आ गए, कहने पीएस की हुंदा, मैं आ गया, मैं कहा इनके पास कोई बुक नहीं है। तो गाइस अभी मैं सुबह से 10 बजे का नेट नहीं आ रहा, अभी ये देखें ये तार उतर गई है, देखें आधे बजे लटका रहे हैं इसके ऊपर, ये कोई ट्रक वगैरह आया होगा या फिर हैवी ट्रैफिक कोई भी, वो आगे उतार गया। अभी नेटवर्क की तरफ जाते हैं जहन की तरफ, और जाकर उसको कंप्लेन बताते हैं, सुबह 10 बजे का नहीं आ रहा, हमने समझा पीछे से नहीं आ रहा, कोई पीछे से मसला है। अभी एक भाई आया, कहता हम हमारा तो आ रहा है, तो अभी जाके उसको मिलते हैं, अगर मिला तो। जहाँ पे उन्होंने अपना कमरा वगैरह बनाया हुआ है, वहाँ पे सेटअप वगैरह सारा रखा हुआ नेट वाला, वहाँ तो नहीं मिले। अभी हम घर आए हैं आदिल भाई के, वहाँ पे देखते हैं वो मिलते हैं कि नहीं। गाइस हम नेट वाले के जो वहाँ पे बनाया उन्होंने कमरा, वहाँ पे भी नहीं, जहाँ पे सेटअप रखा वहाँ पे भी नहीं थे, और आप भाई आदिल के घर भी आदिल भाई नहीं थे। अभी जैन भाई की तरफ आए हैं, जो कि उन्होंने रखे हुए मतलब कि नेट वगैरह आके ठीक करते हैं, उनसे पता करते हैं, पता नहीं अब घर मिलते हैं कि नहीं। ये तो गाइस अब मैं उनके घर से भी आ चुका हूँ, और उनके घर वाले भी कहते हैं वो घर नहीं है, लेकिन कभी कहते वो घर है, कभी कहते घर नहीं है, अगर आएगा तो भेजूंगा, कभी कहते कि अभी मैं भेजता हूँ, इस तरह करके ना वो कहानियाँ सुना रहे हैं आगे। अभी उनको मैं फ़ोन नंबर भी लेके आया, फ़ोन नंबर मैंने कॉल की तो पहली कॉल गई, बाद में दूसरी कॉल में फ़ोन बंद हो गया। तो मुझे ये पता चल रहा था कि उन्होंने मतलब उनकी नीयत नहीं है ऐसे ही कहने की आके, अभी देखते हैं क्या सूरत हाल है, नहीं तो उनका कोई हल उल करते हैं। अभी मैंने कहा अब पढ़ लिया जाए, अब मैं स्कूल का काम थोड़ा करता हूँ, अगर नेट वाला आया तो फिर आप वो भी आपको दिखाएंगे, और अभी मैं स्कूल का काम करता हूँ, अभी पापा मुझे बाहर बुला रहे हैं, मैं बात सुन के आता हूँ। जी तो गाइस अभी मैंने जेल लाइन ले लिया, मैंने स्कूल का वर्क करना था जिसकी वजह से मुझे जेल लाइन चाहिए था, अब मैं जेल लाइन ले लिया, मैं वापस जाता हूँ और घर जाकर काम लिखते हैं। गाइस मैंने अपना थोड़ा सा काम वगैरह स्कूल का कर रहा था, मैंने सोचा अभी ना मेरे पास एक बुक नहीं है इस्लामियात की, मतलब कॉपी नहीं है, कॉपी जैन ने वर्क किया था और मैंने नहीं था किया, मतलब कि मैं क्लास में नहीं था, और अभी उसने लिखा था सारा ही, मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट था, मैं उससे जाकर कॉपी लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। पता नहीं अब उठा होगा कि नहीं, भी मतलब कि तकरीबन टाइम हो चुका है, 9:13 हुए, अभी उठा होगा, अभी जाता हूँ उसकी तरफ। गाइस मैंने अभी जैन से काफ़ी मशक्क़त के बाद बहुत देर मैंने उसका दरवाज़ा नोक किया है, फिर जाके बाहर आया, सोने लगे मतलब सोने की तैयारी कर रहा था। अब मैंने कॉपी से ले लिया, घर जाके काम करते हैं, कॉपी करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं।
गाइस मैं अभी गोभी लेके आ गया हूँ। मैंने कहा अभी उसका भी काम कर लेते, मेरा थोड़ा सा रह गया था। अभी मैंने देखा कि मेरा इस्त्री जो था उसकी एक तार टूटी हुई थी। मैंने सोचा मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन भी हूँ, तार भी लगा लेते हैं और सुबह हमारे कपड़े भी इसकी वजह से इस्त्री होने हैं। अभी मैं लगाता हूँ और देखता हूँ सही होती है कि नहीं। अभी हमारे नेट वाले अंकल आ चुके हैं, अभी नेटवर्क ठीक करवाते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं क्या मसला बना है। देख सकते हैं ये वायर अभी आ गई है, बजन आ गई, अभी कनेक्टर लगाने लगे हैं। ये हमारे आदल भाई हैं और साथ भाई जैन भाई खड़े हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नहीं नहीं आपके अभी बनानी है, अभी ये पोस्ट होगी। ये देखिए अभी आगे कनेक्टर लगाते हैं और वहां पे ये प्लेस हो जाएगा। हम लोग ये सेल्फी लेते हैं, सेल्फी ले, सेल्फी ले, मोबाइल खिलर कोई पानी कोई पानी। अभी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हमारा नेटवर्क ठीक हो चुका है, अभी जाकर मैं अपनी इस्त्री भी थोड़ी ठीक कर लेता हूँ। थोड़ा सा एक आध कनेक्शन रह चुका है, इस्त्री भी ठीक कर लेता हूँ। और आपको एक और चीज़ दिखानी थी, वो आप पीछे कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ मसला बन गया था, वो मतलब हमारे मोहल्ले का मैटर है कुछ, वो आपको मैं नहीं शेयर करना चाहूँगा। और आगे मैं इस्त्री आपको जाकर दिखाता हूँ, पटाखा पड़ता है या फिर सही होती है आपको दिखाते हैं। गाइस अभी मैंने ये वाला पेज रह रहा है टाइट करने वाला, इसको भी टाइट करता हूँ। पता नहीं अभी डाल नहीं रहा है, ये भी टाइट होगा गाइस। अभी इसको लगाते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है इसकी। अभी लाइट भी लगा के देखते हैं, इसकी लाइट यहाँ पे एडजस्ट होगी और यहाँ पे कहीं होगी, ये लाइट है यार। गाइस मैं थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह चीज़ कर लेता हूँ, मैंने कहीं काम सीखा तो नहीं हुआ, वैसे मुझे थोड़ा बहुत शौक था पहले। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, मैंने बंद कर लिया। थोड़ा टिकरा पता नहीं कहाँ से टूटा था, ये मैंने साइड पर कर दिया। अभी बिस्मिल्लाह करके बटन ऑन करते हैं, ऑन होगी गाइस, देख सकते हैं गाइस फाइनली। अभी देखते हैं कि करंट करंट नहीं गाइस, गर्म हो रही है जी जी, गर्म हो रही है। अभी मैं शवारमा लेने जाता हूँ, वो भी आपको थोड़ी मेकिंग वगैरह दिखाएंगे। और ये तो फाइनली हमारी इस्त्री गर्म हो चुकी है। अभी हम शवारमा की तरफ जाने लगे थे, दोनों शॉप्स बंद हो चुकी थी। अभी मैंने सोचा घर ही चल जाते हैं, जाके थोड़ी बहुत गाली सुन लेते हैं, क्योंकि वो मुझे पहले के कह रहे थे कि जाओ ले आओ। मैं कभी स्कूल का काम करना शुरू कर देता, कभी इस्त्री ठीक करना शुरू कर देता था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया। अभी जाके देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो गाइस इसके साथ व्लॉग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें शवारमा तो नहीं था मिला, और अभी हम घर की तरफ आए थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी रात काफ़ी हो गई थी जिसकी वजह से शवारमा भी नहीं मिला। अगर वो मेरे बाजू था गया गाइज, इतनी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं आप, फिर भी चैनल को ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, ना ही दोस्तों में शेयर करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों में इस वीडियो की शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है। और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है ना, ये एनिमेशन ये डन हो रही है एनिमेशन जी जी, ये जैसे वीडियो चल रही है, इस तरह ही कर लो, तरीका मैं फिर किसी दिन बता दूंगा। ओके अल्लाह हाफिज़।